जय माँ नैना देवी की। जी हाँ भक्तों, यह है नैनीताल की नैना देवी का मंदिर और आप सीधे दर्शन कर सकते हैं माता जी के मेरे इस वीडियो के माध्यम से। मंदिर परिसर बिल्कुल नैनीताल का जो ताल है उसके मल्ली ताल के छोर पर बसा हुआ है। काफ़ी रमणीय स्थल है और यहाँ आकर मन को बहुत ही सुकून मिलता है। जी हाँ, तो दोस्तों मैं अब आपको माता के इस भव्य मंदिर परिसर का दृश्य दर्शन कराते हुए माता के इस मंदिर के पौराणिक कथा के अनुसार एक छोटा सा लघु सारांश भी आपको सुनाते जाता हूँ। बताया जाता है कि दक्ष प्रजापति की पुत्री सती का विवाह शिव से हुआ था। शिव को दक्ष प्रजापति पसंद नहीं करते थे, परंतु वह देवताओं के आग्रह को टाल भी नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह न चाहते हुए भी शिव के साथ कर दिया। एक बार दक्ष प्रजापति ने सभी देवी देवताओं को अपने यहाँ यज्ञ में बुलाया, परंतु अपने दामाद शिव और बेटी उमा को निमंत्रण तक नहीं दिया। उमा हटकर इस यज्ञ में पहुंची। जब उसने हरिद्वार स्थित कनखल में अपने पिता के यज्ञ में सभी देवताओं का सम्मान और अपने पति और अपना निरादर होते हुए देखा, तो वह अत्यंत दुखी हो गई और स्वाभाविक भी था। यज्ञ के हवन कुंड में यह कहते हुए कूद पड़ी कि मैं अगले जन्म में भी शिव को ही अपना पति बनाऊंगी। आपने मेरा और मेरे पति का जो निरादर किया, इसके प्रतिफल स्वरूप यज्ञ के हवन कुंड में स्वयं जलकर आपके यज्ञ को असफल कर दिया। जब शिव को यह ज्ञात हुआ कि उमा सती हो गई, तो उनके क्रोध का पारावार न रहा। उन्होंने अपने गणों के द्वारा दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर डाला। सभी देवी देवता शिव के इस रौद्र रूप को देखकर सोच में पड़ गए कि शिव प्रलय न कर डालें। इसलिए देवी देवताओं ने महादेव शिव से प्रार्थना की और उनके क्रोध को शांत किया। दक्ष प्रजापति ने भी क्षमा मांगी। शिव ने उनको भी आशीर्वाद दिया, परंतु सती के जले हुए शरीर को देखकर उनका वैराग्य उमड़ पड़ा। उन्होंने सती के जले हुए शरीर को कंधे पर डालकर आकाश भ्रमण करना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में जहाँ जहाँ पर शरीर के अंग गिरे, वहाँ वहाँ पर शक्ति पीठ हो गई। जहाँ तक सती के नयन गिरे थे, वहीं पर नैना देवी के रूप में उमा अर्थात नंदा देवी का भव्य स्थान हो गया। आज का नैनीताल वही स्थान है जहाँ पर उस देवी के नयन गिरे थे। नयनों की अश्रु धारा ने यहाँ पर ताल का रूप ले लिया। तब से निरंतर यहाँ पर शिव पत्नी नंदा पार्वती की पूजा नैना देवी के रूप में होती है। ये नैनीताल की ताल की मछलियाँ देखिए कितनी बड़ी बड़ी है, कितनी मस्त घूम रही है। वाह 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 वाह, अति सुंदर। तो दोस्तों, आशा है आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी और जब भी आपको समय मिलता है भ्रमण करने का, नैनीताल आने का, तो माता का दर्शन जरूर करें। धन्यवाद। वीडियो यदि पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।